तेरा काम क्या एवन है यार, दारू चकना म्यूजिक, तू तो पी के अपना टाइम पास कर लेगा, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा क्या होगा। रुक यार, दिखाता हूं, चुपके से मैंने चोरी कर लिया। अपनी दुकान से चोरी करते हुए शर्म नहीं आती? पापा से पीने के लिए मांगूंगा तो तुमको क्या लगता वो मुझको दे देते, इसलिए चोरी किया। थू है तेरी जिंदगी पे, ये भी कोई तरक्की है? अरे यार, तरक्की की ना। क्या तरक्की किया? पहले शहर के बाहर सिगरेट पीते थे, फिर पान की दुकान पर पीते थे, अब घर की छत पर पी रहे हैं। इसे तरक्की होना नहीं कहते, हिम्मत बढ़ना कहते हैं। चाहे जो भी हो यार, हर किसी की वीकनेस होती है, तेरी वीकनेस अमेरिका है। वैसे तू अमेरिका के लिए इतना पागल क्यों है यार? हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को रिच लाइफ जीनी है ना, तो वहीं जाना होगा। वैसे मुझे एक बात बता, ये मार्कशीट और बुकलेट को लेकर वैसे भी तेरा ना अमेरिका जाना तो बहुत मुश्किल है यार, तेरा वीजा बार बार कैंसिल क्यों हो जाता है? ये कुछ 2014 की बात है, मैं थोड़ा सा डरा हुआ था यार। हेलो, हाय, आई एम मोहन। सॉरी सर, योर वीजा हैज बीन रिजेक्टेड। उसके बाद 2015 में फिर से कोशिश। अच्छा, इस बार मैं कॉन्फिडेंटली गया। हाय, आई एम मोहन रंगा। Next, please. उसके बाद 2016 में मैं बहुत कैजुअली गया यार। थैंक यू मैम। नेक्स्ट प्लीज। हे, व्हाट्स अप? हाय, आई एम मोहन, मोहन रंगा। सॉरी सर, योर वीजा हैज बीन रिजेक्टेड। डर के जाओ, कॉन्फिडेंटली जाओ या कैजुअली जाओ, वापस भेज देते हैं यार। तो फिर अब कल कैसे जाएगा तू? कल मैं, हाय, आई एम डैडी। दुनिया में तुमसे पापी इंसान कोई नहीं हो सकता। सात समुंदर इस तरह पार करोगे? ये ऐसा क्यों कह रहे हैं बेटा? He is jealous. इस गुस्से को जुहुप्सा कहते हैं। रोना नहीं। जुहुप्सा का मतलब क्या होता है? नफरत से ऊपर जो काम इसने किया। अब बस बिकी जी, तू बोल बेटा, तुझे वीजा कैसे मिला? सब कुछ सरोजा जी की कृपा से हुआ माँ। सरोजा जी, वो कौन है? हमारे घर के पास ही रहती थी। रहती थी मतलब अब वो नहीं रही? By God's grace, वो कल ही। उनके चार भाई बहन हैं, सब वहीं रहते हैं। उन सब के यहाँ आने से अच्छा है कि इन्हें यहाँ से वहाँ ले जाएं, तो उन्हें ये आइडिया मैंने। इसका मतलब टिकट के पैसे उनसे लिए? कब मर रहे हो? बाय मम्मी, बाय डैडी। शिट, चलो अंदर। टाटा मम्मी। अंदर चलो कह रहा हूँ। जा जा, मैं फोन कर लूंगा। और खाना टाइम पर खाना। हाँ, ये पम्मी कहाँ रहे? सुनिए यार, लेके आया? हाँ। कितने? 2 लाख। और ब्याज? ब्याज तो कम है। हाँ। 10 ले लिए मैंने। 20 निकाल लिए? नहीं, ऊपर के 10 ले लिए। ऐसा क्यों? मेरा कमीशन। थू, क्या कोई बात नहीं, वापस लौटा देना। हाँ? भाई, वापस तो लौटा देगा ना? डॉलर में लौटाऊंगा, हम कोई मामूली हेल्प थोड़ी कर रहे हैं। जैसे इन्हें वहां पहुंचाऊंगा, वो खुद नौकरी ऑफर करेंगे। वाओ या yeah.
बाप रे, यहाँ का शमशान भी हमारे यहाँ के एयरपोर्ट से ज्यादा बड़ा है। बिना बात तो लोग सामान भी लेकर नहीं आते हैं, और ऐसे में तुम एक लाश लेकर आए हो। यू आर ग्रेट ब्रो। आप जस्ट वेट, आई एम विलास, उनका दूर का रिश्तेदार। तो कभी पास नहीं गए? आई हेट फ्यूनरल्स ब्रो, बट आई लाइक दिस प्लेस। इनफैक्ट रेटिंग्स में इसे 4 out of 5 मिले हैं। यूएस में ऐसा ही होता है ब्रो, हेयर पिन से लेकर हेलीकॉप्टर तक हर चीज के लिए रिव्यू देखे जाते हैं। आई एम MR मोहन रंगा, उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता था। उन्हें अच्छी तरह जानते थे इसलिए तो इतना कुछ किया। जब जरूरत अपनी हो तो करना पड़ता है भैया। आई लाइक योर फ्रैंकनेस ब्रो, ये लोग भी तुम्हारे जैसे ही हैं। कैसे हैं? बहुत फ्रैंक। ए मोहन सर, कहिए सर, क्या बात है सर? अरे बेटा, कल इंडिया की टिकट करवा दूं? क्या हुआ, कब की करवाऊं? नहीं सर, मुझे यहाँ जॉब मिली है इसीलिए आया हूँ। ओ ग्रेट, कॉन्ग्रेट्स। कॉन्ग्रेट्स ब्रो, जॉब मिल गई, पार्टी कहाँ है? आसपास कहीं बार है क्या? सोचा था ये लोग मेरी खातिरदारी करेंगे, इन्होंने तो भगा दिया भैया। क्यों, क्या हुआ? सब खत्म हो गया। हे, तुम्हें आखिर चाहिए क्या ये तो बताओ ब्रो। रहने के लिए घर चाहिए, शॉपिंग के लिए साथ चाहिए, और घूमने के लिए कार चाहिए। इन सब को मेंटेन करने के लिए जॉब चाहिए। जॉब तो थी ना, सोचा था वो लोग देंगे। माँ के मरने पर भी इंडिया नहीं आए, इतने बेकार लोग हैं ये, उनके भरोसे पर तुम इतने दूर कैसे आ गए ब्रो? यहाँ आने के बाद समझ में आया, अब तो हालत ऐसी है, ना यहाँ का रहा ना वहाँ का। प्लीज भैया, जब तक जॉब नहीं मिलती आपके साथ रहता हूँ, अब आप ही का सहारा है। हा? अब आप ही कुछ कीजिए, मना मत कीजिए भैया। अब क्या करूँ, इसे जॉब दिलाना पड़ेगा क्या? देखो मेरा एक बॉस है ब्रो, भैया उससे बात कर सकते हैं, लेकिन वो तो इनसे भी बेकार है। जूते भी चाट लूंगा। अब तो पानी पीने पर भी जलन होती है। अरे वो शराब थी ब्रो, पहले बताना चाहिए था ना। आई एम सॉरी मैन। ब्रो, तुम्हें अपने साथ रूम में रख लूंगा मैं। ब्रो, क्रेजी गाय। ये क्या है भैया, कहते हैं पीने से सुकून मिलता है, बेचैनी क्यों हो रही है? पहले ऐसा ही लगता है ब्रो, और बाद में मेरी तरह पूरी चढ़ने तक पीनी होगी। चढ़ने के बाद उतार कर बताता हूँ। ठीक है भैया। I'm sorry, sorry ma'am. That's okay. लगता है सारा इनपुट आउटपुट हो जाएगा, इससे पहले कि नाक कटे कट ले बेटा। सॉरी दीदी। ओ गॉड। ओह नो। Is everything all right here? Yeah, he's my boyfriend. I just came to pick him up. Are you sure? Yeah. All right. Have a good night. Thank you. वक्त पर तेरा दिमाग काम कर गया हाँ? दारू भी अच्छा काम कर रही है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे जॉब चाहिए, जॉब दो,
जॉब चाहिए। तुम्हें कहाँ ड्रॉप करूँ? ऑलरेडी उस अंकल ने सारे होप ड्रॉप कर दिए। ये अंकल कौन है? सरोजा जी के बेटे हैं वो। सरोजा जी कौन है? मेरे बहुत करीब थी वो। इससे क्या बकवास कर रही है यार, कार रोक कर उतार दे। उतरो, मदद तो कर सकती हो ना। वो नशे में है, मैं नहीं पकड़ूंगी उसे। अब मैं थक गया, मुझे उठा लो। हे, क्या कर रहे हो तुम? उठा लो। सच मेघा, अब बहुत हुआ, चल लेट्स गो। पानी नहीं पिएगा तो मर जाएगा क्या? बस यही सब करती रह तू, उससे ज्यादा तो तू इरिटेट कर रही है। वैसे भैया वो वहां करती क्या है? मूंगफली बेचती है, तुझे क्या है? सॉरी भैया। कीप इट। आप मेरी जिंदगी में मोबाइल कंपनी जैसे हो, इतने कम वक्त में इतने सारे ऑफर्स दे दिए आपने। हमारे अंकल बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वहां इतने ऑफर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। ओके, कार कब आएगी भैया? ऑन द वे। ये गधा यहाँ क्या कर रहा है? भैया यही गाड़ी है क्या? पता नहीं। ओके। हेलो, कहाँ हो? जहाँ आपने बताया था वहीं रुका हूँ, अभी एक येलो कार भी आकर रुकी है। लेकिन आप कहाँ? तुम हो? हाँ मैं ही। ये है। हेलो, आ रही हूँ, रुको। तुम ही हो ना? आप? तुम्हें तो हरगिज़ लेकर नहीं जाऊंगी, उस रात बहुत परेशान किया मुझे। उस रात को ये ऑलमोस्ट यही लड़की लगती है भैया। मेरा फोन तोड़ दिया और ऑलमोस्ट कह रहे हो? ओह माय गॉड, इतना कांड कर दिया। सिर्फ 3 पैक पिए थे मैडम, फिर भी जायंट व्हील की तरह गोल 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 घूम रहा था, कुछ भी याद नहीं आ रहा मुझे। फिर भी नहीं लेकर जाऊंगी। भैया मैडम, आपके पैर पड़ता हूँ मैडम, प्लीज मैडम, मेरी जिंदगी का सवाल है मैडम, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप आगे बैठिए, मैं पीछे बैठ जाऊंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। What are you doing, man? मैं तुम्हें ड्राइवर नजर आती हूँ। आप कहें तो बाजू में बैठ जाऊंगा, गलती से भी बात नहीं करूंगा, प्रॉमिस। प्लीज मैडम, प्लीज प्लीज प्लीज। नॉनसेंस ज्यादा होने पर भी ये सेंसिबल गाय, हार्मफुल बिल्कुल नहीं, यू कैन ट्रस्ट मी। प्लीज मैडम, प्लीज प्लीज। चलो हेलो। हेलो सर, मैं मोहन, विलास का दोस्त। मैं निकल गया हूँ, 5 घंटे में आपके सामने होऊंगा। नो प्रॉब्लम, वील मीट ओवर अ ब्यूटीफुल लंच, टॉक अबाउट इट एंड क्लोज दिस मैटर। थैंक यू सर, बाय। म्यूजिक में कोई चॉइस है? मतलब वही जैज, ब्लूज, डबस्टेप, ट्रांस, ओपेरा। आइटम सॉन्ग्स हैं क्या? मतलब मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी, पौं 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 पौं। समझ गई। ये क्या है मैडम? ओपेरा। इसे बंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। कोई बात नहीं। हो या जो भी हो, नींद बहुत अच्छी आती है, बहुत फ्रेश फील कर रहा हूं। तो कहां तक पहुंचे हैं हम? अब तक वहीं पर हैं। मैडम ये लाइफ एंड डेथ का मैटर है मैडम। सोगे तो ड्राइव नहीं करूंगी, लाइफ में कभी नहीं सोऊंगा। प्लीज मैडम चलिए, मैडम मैडम जल्दी चलाइए प्लीज, जल्दी।
100 पर है, ठीक है ना? अरे एक्सेलरेटर दबाइए मैडम प्लीज। बस मैडम शायद पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, साइड दीजिए। अरे गाड़ी क्यों रोक दी? हाय फोक्स, लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन प्लीज, प्लीज स्टेप आउट ऑफ द कार। कैन यू प्लीज चेक द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ 37। मैडम मैडम 5-10 देकर मैटर सलटा दो। तो 5 या 10 साल के लिए जेल में डाल देंगे। ओह माय गॉड, यू गॉट 12 पॉइंट्स हियर, आई गॉट टू टेक इन द व्हीकल, इफ यू लाइक यू कैन कम डाउन टू द पीसी और टू द कोर्ट एंड देन गेट योर कार बैक। कार को यहीं छोड़ना होगा, स्टेशन हाँ? जाकर कंप्लेन रजिस्टर करके ही कार ले सकेंगे। मैडम मैडम प्लीज गिव मी योर लेग मैडम, फादर सीरियस मैडम, डॉक्टर कॉलिंग मैडम, मदर क्राइंग मैडम, सिस्टर बैंकिंग हेड मैडम, दिस इज माय कार स्पीडिंग मैडम, दिस ब्रदर गोइंग मैडम, प्लीज सेव मी मैडम प्लीज। ओके ओके ऑलराइट प्लीज, आई कांट लीव द कार बट आई लेट यू गो ऑन ह्यूमन ग्राउंड्स। मतलब समझ गया, अब क्या करें? हेलो सर, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, कहाँ हो तुम? फुल ट्रैफिक जाम है सर, यहीं फंस गए हैं, और 2-3 घंटे लग जाएंगे सर। नो प्रॉब्लम, वील मीट ओवर अ ब्यूटीफुल स्नैक विद अ कप ऑफ टी एंड क्लोज दिस मैटर। बाप रे। हे व्हाट्स अप? गॉड, गॉड इज अप। मुझ पर गुस्सा आ रहा है ना? गुस्सा क्यों आएगा? नहीं, मेरी वजह से तुम्हें देर हो गई। उस दिन टोन हो गया फिर भी शाल उड़ा कर चली गई, आप पर गुस्सा क्यों आएगा? बेसिकली मेरी इट्स ओके। थैंक यू। तुम्हें देखकर लग रहा है तुम अमेरिका पहली बार आ रहे हो, यहाँ कैसे आना हुआ? एक लाश लेकर आया था मैं। क्या? सरोजा जी नाम की एक दादी थी जो मेरे बहुत करीब थी, बचपन में उन्होंने एक वैल्यूएबल एडवाइस दी थी। कैसी एडवाइस? वो बताने के लिए प्लेस टाइम और फील चाहिए, अभी नहीं फिर कभी। वैसे आपका नाम क्या है? मेघा, मेघा सुब्रमण्यम। मेघा जी? मेघा नहीं, मेघा, ग नहीं घा, बोलो। मेघा सुब्रमण्यम जी। तुम्हारा नाम? मोहन रंगा, घा नहीं है, गा कह सकती है।